इनकी नजरों में ना हिंदू मायने रखता है ना मुस्लिम मायने रखता है, इनकी नजरों में सिर्फ ये है 2023 में चुनाव है, राजस्थान सटा हुआ है और मणिपुर की घटना को दबाने के लिए सिर्फ छोड़ दो चिंगारी हिंदू मुस्लिम, जो सरकार काम कर रही है आप मत कीजिए पत्रकार महोदय, आप इस बात को भी मत भूलना बिल्कुल भी। मैं साफ बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल घटना निंदनीय है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी है, या तो आप स्वागत सत्कार कीजिए, नहीं तो आप अपने दरवाजे बंद कर लो, किसी की रैली को मत देखो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिमों की रैली हो, कोई भी रैली हो, अगर आप नहीं देख सकते मत देखिए। तरफा कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों के घर को बुलडोज किया जा रहा है, नहीं उसमें दोनों तरफा कार्रवाई हो रही है, मैं एक बाबा को रोते हुए देख रही थी, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आप बार बार ये मत दिखाइए जो सरकार दिखाना चाहती है, सरकार का एजेंडा है वो ये दिखाए कि मुस्लिमों पर बस कार्रवाई हो रही है, मुस्लिम ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो हमारी सरकार में, आप इस एजेंडे को सफल मत बनाइए, इसमें हिंदुओं का भी नुकसान है मुस्लिमों का भी नुकसान है। और इस बात को भी मत भूलिए, जितने मुस्लिम बेघर हुए हैं, महिलाएं बच्चे छोटे, उनका जो है हेल्प करने के लिए हिंदू धर्म से दलित भी गए हैं और जाटों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, पंडितों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो आप ये समझिए इनको हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस अपने एजेंडे करने हैं। इस नफरत की आग में चिंगारी कौन डाल रहा है आपको नहीं पता? सरकार जब किसी मुद्दे पर चुप रहती है तो आप मान लीजिए सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन होता है ऐसे लोगों को। मणिपुर से लेकर के पूरा मणिपुर की पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है नू मेवात का करता से, मणिपुर के पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, मणिपुर का जो मुद्दा है वो दबेगा नहीं नू मेवात से, नू मेवात में जो हुआ वो घटना जो है बिल्कुल गलत है। मैं उनसे भी कहूंगी जिन्होंने पत्थर फेंके, इनको तो मौका चाहिए आपके खिलाफ बोलने का, अगर आपने पत्थर फेंके हैं तो इनको तो मौका चाहिए आपके खिलाफ कार्रवाई करने का, तो फिर आप क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? आप अगर किसी की रैली आती है चाहे वो हिंदू की है चाहे मुस्लिम की है, आराम से सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्या हो गया हमारे देश को? मैंने बोला अगर उन्होंने फेंका तो आपने सुना, मैंने इतने अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है, आप इतने अग्रेसिव मत होइए, आप ये बताइए मैंने क्या बोला है, अगर उन्होंने पत्थर फेंका है तो आप अपने कान यही रखिए, समझ गए पत्रकार महोदय? हाँ बंदूक, जो भी व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, मैंने दोनों को बोला है, मैंने बोला अगर पत्थर फेंका है तो, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। और रैलियों में जो ये चीजें होती हैं उस पे कानूनी कार्रवाई हो, अपने 5 घंटे से 4 घंटे से इंटरव्यू दे रही हूँ, यही बोल रही हूँ कि दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी है जो गलत है करिए कार्रवाई, गलत। देखिए मैंने एक वीडियो बाबा जी का भी देखा है, हो सकता है आपने ना देखा हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगी लिंक, ऐसा नहीं है हिंदुओं पर नहीं हो रही है, हो रही है। इनकी नजरों में ना हिंदू मायने रखता है ना मुस्लिम मायने रखता है, इनकी नजरों में सिर्फ ये है 2023 में चुनाव है, राजस्थान सटा हुआ है और मणिपुर की घटना को दबाने के लिए सिर्फ छोड़ दो चिंगारी हिंदू मुस्लिम, जो सरकार काम कर रही है आप मत कीजिए पत्रकार महोदय, आप इस बात को भी मत भूलना बिल्कुल भी। मैं साफ बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ बिल्कुल घटना निंदनीय है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी है, या तो आप स्वागत सत्कार कीजिए, नहीं तो आप अपने दरवाजे बंद कर लो, किसी की रैली को मत देखो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिमों की रैली हो, कोई भी रैली हो, अगर आप नहीं देख सकते मत देखिए। मुसलमानों के घर को किया जा रहा है, देखिए जिन लोगों ने इसमें गलत किया है चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, सबके घर चलने चाहिए, कानूनी प्रतिक्रिया से सबको चलवाइए, आपका क्या काम है? सुनिए जो संविधान में, देखिए इनकी तरफ से बहुत दिन पहले कोर्ट पे ताला लग चुका था, इनकी तरफ से बहुत दिन पहले कोर्ट पे शायद ताला लग चुका था, हम कोर्ट को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग, हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया है, ठीक है हमारे पूर्वजों ने, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, पिछले 2 घंटे से मैं यही बोले जा रही हूँ। पूनम जी जीजा आ रहा है, निवासी स्वागत करो, तो किया ना किया ना, मैं मीडिया में स्टूडियो में बैठ करके उनका स्वागत हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? अब वही मैं पूछ रही हूँ ना, जनता ने भी स्वागत किया, शायद आपको ना पता उस आदमी का रोने का वीडियो कैसा वायरल हुआ है, जनता ने भी बहुत अच्छे से, अब देखिए जब सरकार काम नहीं करती, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, तो जनता खुद कर रही है ना अपनी रक्षा, फिर ऐसे लोग जो वहां पे जा रहे हैं, ऐसे लोगों भाई देखिए ऐसे लोगों को तुम टीवी में बिठा रहे हो, है ना, ये देश की शांति भंग कर रहे हो, अरे मणिपुर की घटना को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? शांति की अपील कीजिए मणिपुर में सभी लोगों से शांति की अपील करती हूँ मैं, मणिपुर जो है उसको दबाने के लिए, राजस्थान में चुनाव है 23 में ये हार रहे, इसलिए मेवात से राजस्थान बहुत पास है, वहां पे इस चिंगारी को पहुंचाने के लिए ये सब रायता फैलाया जा रहा है, बात को समझिए, आप अकेले हिंदू हिंदू मत कीजिए, मुस्लिम मुस्लिम मत कीजिए, वो भी हिंदू है जो पनाह दे रहे हैं,
जो समर्थन में खड़े हैं, कितने जातों का वीडियो आया है, कितने दलितों का वीडियो आया है, कितने पंडितों का वीडियो आया है, वहाँ के कितनी महिलाओं का वीडियो आया है जो अपने अपने चूल्हे पे बैठ करके भोजन खिला रही है। मैडम मैडम, मुस्लिम मुस्लिम कोई कर नहीं रहा, कोई मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, सुनिए, अपील अपील शांति की। हिंदू मुस्लिम ये चाहते हैं कि ये सुनिए मेरी बात, समझिए आप पत्रकार महोदय, ये चाहते हैं कि इनको हिंदू मुस्लिम करते रहो ठीक है। होता है कि बुलडोज मुसलमानों के घर को किया जा रहा है, क्या बुलडोजर, सुनिए हाँ, क्या बुलडोजर चलाना कानून में है, क्या संविधान में नहीं ना, इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, इसका तोड़ क्या है, मैं मुख्यमंत्री हूँ क्या हरियाणा से, नहीं ना, इसका तोड़ सिर्फ एक है, फिलहाल देश में शांति और आने वाले समय में इनकी सरकार को हटाना। अगर इनको नहीं हटाया गया तो ये कितना गलत करेंगे, आप खुद सोचिए कितना गलत करेंगे। जब वो टाइम देखा हुआ हमने धरने में, तुम तो दो चार दिन छह दिन लगातार आते थे, घंटे के लिए चले जाते थे, मैं पूरा दिन रहती थी 13 महीने वहां दिए धरने को। हिंदू लंगर लगाते थे, मुस्लिम खाते थे, मुस्लिम लगाते थे, हिंदू खाते थे, और उस भाईचारे की मिसाल की वजह से ही आज हमारे देश का वो आंदोलन आजादी के बाद से सबसे ज्यादा सफल रहा, और आज भी वही एकता की वही भाईचारे की जरूरत है। आप बात को समझिए, पूरे हरियाणा में ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमानों को बाहर निकालो, अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्दी से खाली कर दो, चाहे वो किरायेदार हो चाहे जो भी हो। देखिए ये तो नफरत फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल नफरत फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। अभी मैं सुन रही थी, एक पत्रकार मेरे से सवाल कर रहे थे, वो कह रहे थे कैराना में हिंदुओं से पलायन कराया जा रहा, और एक कह रहे थे कि नूह में मुसलमानों से पलायन कराया जा रहा। पलायन करा के जब ये इस देश में रहते हैं, इस देश के रहने वाले हैं, इस देश में आजाद कराने में इनका खून योगदान लगा हुआ है, पलायन करके कहाँ भेजना चाहते हो, ये सवाल है मेरा, कहाँ भेजोगे पलायन, क्यों क्यों आर्थिक बहिष्कार, क्यों कह रहे आर्थिक बहिष्कार। देखिए एक बात बताइए, इसको कौन भरेगा, आप और हम, एक मीडिएटर होता है ना बीच का, वो कौन है, आप और हम। आज मिनिस्ट्री मीडिया क्या कर रहा है आप अच्छे से जानते हो, किनको चैनलों पर बिठा रहे हैं अच्छे से आप जानते हो, इसका काम है इस चीज के लिए। देखिए जो पलायन कराने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कट्टर मानसिकता वाले होंगे, आप अच्छे से जानते हैं, और अगर ये मानसिकता इनकी कट्टर नहीं होती, क्योंकि सभी के लिए हम नहीं कह सकते, हम अकेले एक कन्हैया की हत्या हुई थी, एक मुस्लिम ने कही की थी, बहुत मीडिया ने घेरा था, तो क्या हम अकेले ये कह दें कि पूरा मुस्लिम धर्म ने हत्या किया, नहीं कह सकते ना। क्या अब ये मैटर हो रहा है, अगर कोई हिंदू संगठन वाला ऐसा बयान दे रहा उल्टा पुल्टा, तो क्या आप पूरे हिंदुओं को गलत कह देंगे, नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इनका कोई धर्म मजहब से लेना देना नहीं होता, इनको सिर्फ कट्टरता का काम करना होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मैडम मध्यम दल वाले कह रहे हैं कि वीडियो बना करके हिंदुओं से कि मुसलमान जहाँ जहाँ बहिष्कार करो, देखिए हर तरह से, क्यों क्यों सरकार, देखिए ये संविधान में है, ये आप सवाल कीजिए सरकार से, ये संविधान में है कि अगर आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं इस तरीके की चीजें तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, सरकार क्यों नहीं कर रही है, आप इस चीज के लिए जगाओ लोगों को कि सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको बचा रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे लखनपुर कांड हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, देश के प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक बिल्कुल मौन है, तो एक व्यक्ति मौन भी रहता है ना तो वो गलत चीजों का समर्थन करता है, ध्यान रखना। लेकिन पूनम जी जिस तरह से कह रही थी हरियाणा पुलिस की, राजस्थान पुलिस को मुनू मानस के मामले में हम सहयोग कर रहे हैं जुनैद नासिर की हत्या के बाद, देखिए अगर किस तरह का सहयोग है जब गिरफ्तारी नहीं, देखिए अभी वो जब वो सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ टीवी पर बैठ करके भाषणबाजी हो रही है, अगर वो पूर्ण रूप से सहयोग करते तो एक बात देखिए, जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसको टीवी पर बुलाया जा रहा है, मैं एबीपी आज तक शायद इंटरव्यू देख रही थी मैं कुछ चैनलों पे, मुझे नाम कन्फर्म नहीं, माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ चैनलों बड़े मिनिस्ट्री मीडिया पर इंटरव्यू देख रही हूँ, तो ये कैसे हो रहा है, मतलब मीडिया वाले उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, पुलिस नहीं पहुंच रही है, मैं हैरान हूँ, देखिए मैं हैरान हूँ कि मीडिया उस व्यक्ति तक पहुंच रही है, हमारी सरकार की जो पुलिस है नहीं पहुंच रही है, तो इसे मैसेज क्या जाएगा खासतौर पर माइनॉरिटी समाज में कि कोई खुलेआम गाली देगा, जीजा आ रहा है तो वो क्या, मतलब डर और खौफ का तो मंजर बनाया। देखिए आपने एक कांड देखा होगा कुछ दिन पहले, मध्य प्रदेश का एक कांड हुआ था, दलित के ऊपर पेशाब किया गया था, कोई व्यक्ति पेशाब करके अपनी वीडियो को डालता है उसको वायरल करता है, वो सिर्फ किस लिए पता है, ताकि दलितों को डराया जा सके, इसी तरीके का ये आप जो बोल रहे हैं उसे वीडियो बना करके, ये सिर्फ डराने का काम किया जा रहा है, तो आप डरिए मत, अपने मानसिक संतुलन को मजबूत रखिए, उनको क्या कहेंगे, सभी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, कोई भी हो, बिल्कुल होनी चाहिए, चलवाना चाहिए। तीन लोगों की हत्या का वो है उसपे, है कि नहीं है। मोनू माने सर तो इंटरव्यू में ये बोले कि अगर कोई साक्ष्य मुझे मिल जाए या फिर कोई थाने वाले दे दें
तो मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा। ये भी अच्छी बात है। अगर अगर सुनिए, देखिए अगर वो जांच पड़ताल चाहता है, मोनू मानेसर इस बात को बोल रहा है कि कोई साक्ष्य मिल जाए मैं सरेंडर कर दूंगा, साक्ष्य मिल जाए तो मैं बिल्कुल उस बात को कहूंगी कि पुलिस को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए जब वो खुले मंच पे ऐसी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन हथियार रखने का साक्ष्य देखिए ना, हथियार रखने का साक्ष्य है, हथियार रखने का हमारे देश में लाइसेंस भी देते हैं। मैं उस चीज के लिए नहीं बोलूंगी कि हथियार का लाइसेंस क्यों दिया जाता है, जांच पड़ताल करके देना चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिस पे हमें शंका है और वो इस बात को कह रहा है तो वाकई पुलिस को पूरी घटना की जांच पड़ताल बारीकी से करनी चाहिए, सरकार को बारीकी से करानी चाहिए अगर वो व्यक्ति इस बात को कह रहा है। आराम से भाई, माइक तीर दर मत। मैं बताती हूँ क्या है, आराम से नहीं मैं